बिहार की राजनीति की हर उथल पुथल हम इसी खबरों में सुनाएंगे, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। क्या हुआ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या बोले आरसीपी सिंह यानी कि जदयू के अध्यक्ष, और क्या हुआ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का, उनका तबीयत कैसा है, और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से नहीं मिलने गए तेजस्वी, इसको लेकर कैसी नाराजगी है ओसामा में, ये तमाम खबरें हम बताएंगे। इससे पहले बता देते हैं कि मेरा नाम रविकांत है और आप देख रहे होंगे झकास भारत। इस प्लेलिस्ट में मैं सुनाता हूँ प्रत्येक दिन शाम को या वीडियो भेजते में रात हो जाता है, ये खबरें हैं जिसमें हम तमाम बिहार की राजनीतिक जो प्रमुख खबरें हैं हम इसमें लाने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चर्चाएं हैं, बिहार सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं, केंद्र की। 2 सालों से यह अड़चन जारी है, इनमें क्या बातें हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो आरसीपी सिंह मीडिया से बात करते हुए वो तमाम सवालों से इनकार कर गए, मगर जो अपनी पार्टी की बात थी, जो अपनी पार्टी की उनका दायरे की बातें थी, केवल वही बोलना चाहते थे। बाकी सवालों पर उन्होंने मीडिया को साफ जवाब दे दिया कि या आपकी जवाब सवाल है और या आप समझिए। मतलब कि साफ कहना था कि जो हमारी पार्टी नहीं है, मतलब चिराग पासवान पर जब खबर पूछी गई कि क्या चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं, तो फिर आरसीपी सिंह ने सीधे झिड़क दिया, बोला कि जो सवाल आप पूछिएगा उसका जवाब हम दे, मतलब कि कह सकते हैं कि मीडिया कर्मियों को ये बातें उन्होंने साफ कर दिया कि ना मैं मांझी जी पर सवाल देने के लिए तैयार हूँ और ना ही मैं चिराग पासवान के सवाल देने के लिए तैयार हूँ। आरजेडी पर उन्होंने यह कहा कि 15 साल से वह बालू फाँक रहे, मतलब कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किए जो आरसीपी सिंह करते हुए नहीं नज़र आते थे, मगर फिलहाल मीडिया में उन्होंने बात करते हुए ये बातें साफ की कि एनडीए के हिस्सा हैं हम और उस हिसाब से हमें मंत्रालय में होना चाहिए, केंद्र सरकार के मंत्रालय में, और जो हमारी मंत्रालय का हक होगा वो हमारी वाजिब हक है, हम छोड़े हुए थे, उनका साफ कहना था। क्योंकि 2019 लोकसभा के वक्त जो हुआ, 2 मंत्रालय देने की बातें बीजेपी की तरफ से नहीं थी, उसमें यह साफ था कि बीजेपी की तरफ से वो 2 मंत्रालय के पक्ष में नहीं थे, मगर जदयू का कहना था कि 1 मंत्रालय तो एलजेपी को भी मिल रहा है, जबकि उसका 6 सीट है और हमारा 16 सीट है और हमारी पार्टी भी बहुत बड़ी है, ये सभी तर्क रखे गए थे, मगर 2019 लोकसभा के वक्त ये तमाम तर्क दरकिनार कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त शपथ चलते रहता है, उसके बाद से ही टालते टालते बातें अब आई है, जब 2020 के विधानसभा के बाद शायद ये खबरें और ये बातें 6 महीना पहले ही उठ जाती और शायद मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाता, मगर बीच में कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से दस्तक दी, तमाम चीज़ों को में देरी कर दी, चाहे वह अभ्यर्थी परीक्षाओं के एग्जामिनेशन हो या फिर नेताओं की मंत्री पद की शपथ हो। इसके बाद खबर यह है कि चिराग पासवान जी कहाँ हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, उनका कहना था कि उनका तबीयत खराब है, मैं मिलकर आया हूँ, लगभग 20 दिनों से यानी कि महीने भर से उनका लगभग तबीयत खराब चल रहा है, टाइफाइड और अलग अलग प्रकार की शिकायतें थी, हमने पहले भी कई खबरों में चलाया है कि चिराग पासवान जी का तबीयत खराब है, उन्होंने ट्वीट कर भी अपना फोटो पिछले महीने में भेजे थे ट्विटर पर, उसके बाद से वह सही में नहीं मिल रहे हैं, मगर उनके संसदीय क्षेत्र में उनका कहना था कि संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से उनके ओर से उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे सांसद गायब हैं, तो उन्होंने कहा कि गायब नहीं है, अभी तबीयत खराब है, जैसे ही तबीयत ठीक होगा आप सबों के बीच में होंगे, और मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने अभी नरमी बरती है और नीतीश कुमार पर हमलावर होने के बजाय उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की जो काम थी, जो मांग थी, जो बातें थी, जहां पर गलत होगी बिहार सरकार की हम वहां पर आलोचना करेंगे, जहां पर सही होगा हम समर्थन करेंगे। इन सभी के बीच बात उठ रही है मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन का, आज लगभग 6 सप्ताह बीतने जा रहा है, उनके परिवार में यह नाराजगी है कि तेजस्वी यादव अब तक ना ही उनसे संपर्क किए हैं और ना ही मिलने गए हैं। इनमें बातें और खबरें यहां तक है कि वह पार्टी छोड़ भी सकते हैं, मगर अभी फिलहाल छोड़ने की बातों से इनकार कर गए जो उनके करीबी थे, जो उनके समर्थक थे, उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है तेजस्वी यादव को लेकर। वैसे बता दें कि तेज प्रताप यादव मिलने भी गए थे,
उनके लोगों का कहना है कि तमाम नेता इस दुख की घड़ी में मिलने आ रहे हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी के हों, मगर तेजस्वी यादव क्यों नहीं मिलने आए, इस बात को लेकर शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार में दुख है। हम लोगों ने वह भी वीडियो देखा था कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन को दीनदयाल अस्पताल के बाद वहां से डिस्चार्ज, मतलब कि निधन हो जाता है, उसके बाद भी कई समर्थक लगातार नारा लगा रहे थे, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद यानी आरजेडी के खिलाफ नारा लगा रहे थे, और वहीं पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे खड़े थे, उन्होंने नहीं रोका, कई लोग उन्हें मना कर रहे थे, मगर जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक थे उनका कहना था कि इनकी मौत जिस प्रकार से हुई है, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठाती है। कई लोगों ने इस शक और संदेह से भी जोड़ कर देखा है इस मौत की घटना को कि लालू प्रसाद का रिहा होना और मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन होना, इन दोनों पर संशय बरकरार किए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक, और तेजस्वी के खिलाफ साफ बातों में जाहिर किया है कि तेजस्वी अब तक मिलने ही नहीं आए, बल्कि समर्थन की भी कोई ऐसी बातें नहीं की। जबकि लालू प्रसाद यादव से जब भी पूछा जाता था, वह मीडिया में भी खुलेआम कह देते थे कि हाँ, हमारी दोस्ती है शहाबुद्दीन से, शायद ऐसी बातें नहीं तेजस्वी कह पाए। इसकी नाराज़गी भरसक मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार में है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे में यानी कि ओसामा में है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थक तो उग्र हैं ही तेजस्वी और आरजेडी को लेकर। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को आना चाहिए, मगर उनके खास समर्थकों का कहना है कि अभी तक वो आरजेडी में ही है, मगर भविष्य में वो आरजेडी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन बातों से टाल मटोल कर दिए, इन बातों से इनकार कर दिए। खबर यह भी है कि वह कोई और भी पार्टी में जा सकते हैं, मगर अभी फिलहाल इन मामलों पर शांति बरते हुए हैं। खबर यह भी है कि मोहम्मद ओसामा से जिस प्रकार से पप्पू यादव मिलने गए थे, जिस प्रकार से और तमाम पार्टी और नेताओं के लिए मिलने गए थे, तो तेजस्वी से नाराज़गी के साथ साथ यह भी कयासें लगाई जा रही थी कि यह किस पार्टी में जाएंगे। अभी फ़िलहाल बता दें कि अभी तक उन्होंने आरजेडी के तरफ ही बयान दिया और आरजेडी के साथ ही बयान दिया है, मगर इस बात का दुख भी व्यक्त किया है कि तेजस्वी यादव नहीं मिलने आए। सभी लोग जानते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद की दोस्ती कैसी थी। कितना भी मोहम्मद शहाबुद्दीन जेल में चले जाएं या कितना भी मर्डर चार्जेज या क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका क्यों नहीं हो, लालू प्रसाद खुलेआम मंचों से ही नहीं और अपने मंचों पर ही, शहाबुद्दीन उनके मंचों पर ही नहीं नज़र आते थे। सजा पाने के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में जब रिपोर्टर पूछते थे कि क्या आपकी पार्टी में है मोहम्मद शहाबुद्दीन और क्या आपकी पार्टी से क्या लगाव है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, कई बार पत्रकारों के जवाब देते हुए वह खुलेआम बोल दिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन हमारे पार्टी में हैं, हमारे दोस्त हैं, और भी बहुत कुछ बोल दिए। तो ये बातें उनके परिवार को नहीं अच्छा लग रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद तेजस्वी ने ना ही फोन किया और ना ही वह आए। यह कहना था उनके करीबी समर्थकों का, करीबी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी रहे हैं, उनका कहना था। फिलहाल बिहार में राजनीतिक सुबुगाहटें अपनी चरम पर हैं। इस प्लेलिस्ट में हम बिहार की खबरें और राजनीति की खबरें हम लेकर आते हैं, वही हम अभी इसमें सुना रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरसीपी सिंह ने क्या कहा और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मोदी सरकार में होंगे या नहीं, ये बातें, अभी उनकी तबीयत ठीक होकर आ जाएंगे तो हम देखेंगे और सुनेंगे कि उन तमाम बातों में क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम है रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।